अज सिख मित्रा दिवदेरी क्यों दिलनी उदास गनेरी अरे हादिम भाई, आपको एक बात बतानी थी मैंने। वो ये कि मैं हज पे जा रहा हूँ और बस अल्लाह से यही दुआ है कि मौत आने से पहले हज की सआदत हासिल कर लूँ। आमीन सुम्मा आमीन। वाह, बड़ी खुशी की बात है। मैंने भी हज के पैसे तो जमा करवा रखे हैं। अच्छा, लेकिन खादिम साहब, आपने आज से पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। असल में रकम कुछ कम थी, इसके बंदोबस्त में इतना उलझ गया था कि दोस्त अहबाब को बताना ही भूल गया। चलें, कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से हम इकट्ठे ही रवाना होंगे। ऐसा हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है, एक दूसरे का साथ भी रहेगा। अच्छा, फिर मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरा तो अब घर आ गया है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं खुशखबरी के साथ। मेरे ट्रैवल एजेंट का भी फ़ोन आया था कि आज फ़ोन करेगा। अच्छा, मेरे ट्रैवल एजेंट ने भी आज ही का कहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं। अम्मी, हमें खाना कब मिलेगा? बेटा, खाना पक रहा है। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे अब्बू सब्जी लेने गए हैं, तब तक मैं ये पानी गर्म कर रही हूँ। या अल्लाह, ये लो इसे पकाओ। ये तो मुर्दार है और हराम हो चुकी है, ये कहां से ले आए? जानता हूं, मैं अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंदगी के ढेर से उठा लाया हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में आप मुर्दार भी खा सकते हैं। वैसे भी हम दोनों जानते हैं, हमारे बच्चे तो नहीं जानते। या अल्लाह, तुमने हमको जिस हालत में भी रखा, हम उसी पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम अपनी तो भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर एक माँ अपने बच्चों को भूख से पिलकता हुआ कैसे देख सकती है? और इस मर्दार को खाने से हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। तुम इसको पकाओ, अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर करेगा। अगर वो हमारा इम्तिहान ले रहा है तो हमारा उसके साथ कोई शिकवा नहीं बनता, बल्कि इस इम्तिहान को सब्र और तहम्मुल से कामयाब बनाना है। खादिम भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाओ। क्या बात है रहमान भाई, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी खादिम भाई, मेरे ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आया था और वो ये कह रहा था कि आपकी फ़्लाइट 12 तारीख की है, तो बाकी के जो पैसे हैं वो जमा करवा दूँ। वो जमा करवाने जा रहा। 12 तारीख यानी आज से 7वें दिन बाद? जी हाँ खादिम भाई। रहमान भाई, हज मुबारक हो। खैर मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, कब की?
12 तारीख शाम 5 बजे की। ठीक है जनाब, खुदा हाफिज। अरे खादिम भाई क्या हुआ? रहमान भाई मेरी भी फ्लाइट कंफर्म हो चुकी है 12 तारीख शाम 5 बजे की। या अल्लाह तेरा शुक्र है। खादिम भाई मैं सोच रहा हूँ कि दिन बहुत कम रह गए हैं तो दोस्त बाप से मिल लूँ, पता नहीं बाद में टाइम मिलता है नहीं मिलता, और ट्रैवल एजेंट को पैसे भी देने हैं। रहमान भाई मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा खादिम भाई फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू हमें रिस्क तो दे रहा है। ये कौन आ गया? अच्छा मैं देखता हूं। अस्सलामुअलैकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमान भाई, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ शुक्र है अल्लाह का। खैरियत से आए हैं? हाँ बिल्कुल खैरियत से आया हूँ। और दूसरी बात यह है कि सारी बातें यहीं पर करते रहोगे कि अंदर भी लेकर जाओगे? रहमान भाई मैं महसूस कर रहा हूँ आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जी अशरफ भाई मैं हज पर जा रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि आपको भी अल्लाह के घर की सआदत हासिल हुई। बस अशरफ भाई मैं भी इसी सिलसिला में कस्बा के लोगों से आज मिल रहा हूँ और इसी सिलसिले में आपसे भी मिलने आया हूँ। बहुत शुक्रिया रहमान भाई आपने हमें याद रखा। बस आप अल्लाह के घर जाकर हमारे लिए भी दुआ ज़रूर करें। हाँ हाँ क्यों नहीं अशरफ भाई, आप मुझे एक बात बताएं। पूछें। वो ये कि जब भी मैं आपके घर आया हूँ आपने मुझसे चाय पानी पूछे बगैर मुझे जाने नहीं दिया, और आज तो आपने सादा पानी तक नहीं पूछा। दरअसल रहमान भाई आज हमारे घर में दूध पत्ती खत्म हो चुका है और इसीलिए चाय के लिए माफी चाहते हैं। तो ये बात है, ये देगची में क्या है? इसमें सालन है। सालन? जी। चलो रोटी तो पकी हुई है अशरफ भाई, तो ऐसा करो चाय नहीं तो खाना ही खिला दो। अरे अशरफ भाई किस सोच में पड़ गए, मैंने खाना ही तो मांगा। मान भाई मैं आपको खाना नहीं दे सकता। क्यों भाई क्यों नहीं दे सकते? ये रोटी मेरी बीवी ने अपने बच्चों के लिए बनाई है। भाई साहब आज हम आपको खाना और चाय नहीं दे सकते, इसकी माफी चाहते हैं। खाना सालन और रोटी तो बनी हुई है तो आप दोनों मुझे देने से इनकार कर रहे हैं? अजीब बात है, आप खुद ही तो कहा करते थे कि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। रहमान भाई आज भी मेरा यही ईमान है। अच्छा भाई फिर ऐसी क्या वजह है कि मैं ये रोटी और सालन नहीं खा सकता? रहमान भाई अगर ये रोटी और सालन हम आपको दे देंगे तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। हाँ हाँ रहमान भाई। अरे हांडी। नहीं रहमान भाई नहीं, ये आप नहीं खा सकते। अरे अशरफ भाई मैं ये क्यों नहीं खा सकता, इतना सारा आटा गूंदा पड़ा है बच्चों के लिए और पक जाएगी। अरे अशरफ भाई रो क्यों रहे हो और आखिर ये रोने की वजह क्या है? रहमान भाई पिछले चंद दिनों से मेरे घर में फाके चल रहे हैं, घर में कुछ नहीं पका, मुझे अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो सकी और मैं एक गंदगी के ढेर से एक मुर्दा मुर्गी उठा लाया ताकि मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। अशरफ भाई आपने आज तक मुझे इस बारे में जिक्र नहीं किया,
मैं आपका सबसे करीबी हमसाया हूँ और आपने मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं आपका अच्छा हमसाया नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ जिसका हमसाया फाके काट रहा हो उसका तो खुदा भी हज कबूल नहीं करता। अशरफ भाई आप ऐसा करें ये पैसे रख लें। नहीं रहमान भाई नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? ये आपके हज के पैसे हैं, ये मैं नहीं ले सकता। अशरफ भाई उस हमसाये का हज कैसा जिसका हमसाया फाका कशी का शिकार हो और मैं अपने हमसाये को फाका कशी में देख कर ये हज कैसे कर सकता हूँ? मुमकिन नहीं। और ज़रूरत हो तो और ले लेना, इजाज़त चाहता हूँ। कौन कहता है कि आज दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है? रहमान भाई ने आज भी साबित कर दिया कि इंसान और हुकूक कुल इबाद जिंदा है। सच कह रही हो, ऐसे ही नेक लोगों की वजह से आज दुनिया जिंदा है। विच शाक चंगेरी आज ने ना लाया क्यों झड़ियां मुख चंद बदल शाह शाह। रहमान भाई आपने नहीं जाना? बस खादिम भाई मजबूरी कुछ इस तरह की बन गई कि मुझे अपनी फ्लाइट 2 दिन की बात करानी पड़ी। आप चलें इंशाल्लाह मैं अभी आ जाऊंगा। ठीक है बैठे। चंद बदल शाम शानिया मथे चमक दी लाट नूरानिया मुख चंद बदल शाम शानिया मथे चमक दी लाट नूरानिया फुते अख। या अल्लाह तू सब जानता है कि मैं तेरे दर पर हाजिर क्यों ना हो सका और मेरी क्या मजबूरी थी। या अल्लाह तूने खुद ही तो पड़ोसियों के हकूक अदा करने का हुक्म दिया और मैंने वैसा ही किया। या अल्लाह तू गैब का इल्म जानता है। या अल्लाह तेरे दर पर हाजिर ना होना भी शायद तेरी तरफ से मेरे लिए इम्तिहान था और इस इम्तिहान में मैं किस हद तक कामयाब हुआ। या अल्लाह तू बेहतर जानता है। या अल्लाह मैं तेरा अदना सा गुनाहगार बंदा हूँ, मेरे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह तू रहमान है। या अल्लाह तू करीम है। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। सिक मित्रा दिवदेरी क्यों दिलने उदास गने रे लू विच शाक चंगे चंद बदल शाम शानिया मथे चमक दी लाट नूरानिया मुख चंद क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि अगर रहमान भाई हमारी मदद ना करते तो हमारा क्या होता।
वाकई रहमान भाई ने एक अच्छा हमसाया होने का हक अदा कर दिया है। अपने हज के तमाम पैसे हमें देकर चले गए। किसी ने सच ही कहा है कि अल्लाह ताला इंसान के रूप में वसाइल पैदा कर देता है और जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता वहाँ से रिज़्क दे देता है। खुदा रहमान भाई की उम्र दराज करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अल्लाह के फजल से अपनी एक दुकान शुरू कर ली है ताकि उससे पैसा कमाकर रहमान भाई को वापस कर सकूं, ताकि वो अपने हज का ख्वाब पूरा कर सकें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा मैं अब चलता हूँ, मेरा दुकान खोलने का टाइम हो गया है। खादिम भाई बहुत खुशी हुई, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की और आपने भी हज अदा किया। मेहमान भाई मुझे आपसे गिला रहेगा। अरे गिला किस बात का खादिम भाई, आप मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? अरे खादिम भाई मजबूरी कुछ इस तरह की बन गई कि हज पे मैं आपका साथ ना दे सका। आप क्या कह रहे हैं, आपने तो मेरे साथ इकट्ठे हज किया है और फ्लाइट से बाहर आए और इकट्ठी नमाजें पढ़ी, तो अब मुझसे पहले कैसे वापस आ गए? मगर मैं तो रहमान भाई आपसे सिर्फ इतना ही गिला है, आप मेरे साथ इकट्ठा क्यों नहीं जाना चाहते थे? या अल्लाह तू बेहतर जानता है कि मैं कहाँ पे था, तू तो गफूर रहीम है, तूने मेरी कुर्बानी को हज में तब्दील कर दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मथे चमक दी लाट नूरानी मुख चंद बदे शाब शानिया मथे चमक दी लाट नूरानी काली जुल फुते अख मस्तानी मखमोर अखी हिम्मत।